संदीप शर्मा, 1715 सदस्य की ओर से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटित किए जाने में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती मंजू देवी मेघवाल, 113 सदस्य की ओर से प्रदेश में पूर्ण रूप से दिव्यांग जनों के लिए भरण पोषण हेतु योजना बनाने के संबंध में। मान्य सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री पुष्पेंद्र सिंह, आपका लीडर बैठा हुआ और आदमी सदस्य खड़ा हुआ तो अल्लाह करे और मैं चेयर पे हूँ। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। एक सीनियर मेंबर जो है वो ये क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? आई विल नॉट लास्ट में टू डाउनलोड दिस। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय उनका विषय थोड़ा गंभीर था, लेकिन आपने इसको सदन में सम्मिलित नहीं किया। वो उनकी पीड़ा थी कि यूनिवर्सिटी और उसके कारण से वो चाहते हैं। मान्य जी, प्लीज मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं किसी को डिक्टेट करने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं इसके गंभीरता क्या, मैं गंभीरता नहीं समझ रहा हूं। इसकी गंभीरता स्थगन प्रस्ताव जिसमें दो मिनट बोलेंगे, ये गंभीरता है? यदि इसकी गंभीरता है तो आपको पूरा अधिकार है और तरह से लेकर प्रश्न उठा मैं, लेकिन आप एक के बाद एक सदस्य इस तरह सीनियर सदस्य यदि अध्यक्ष की अवहेलना करें, मैं टॉयलेट नहीं करूंगा। क्या कम वोट में भी मैं आपको पूरा सम्मान देता हूं, प्रतिपक्ष को पूरा समय देता हूं मैं, लेकिन आपके सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद अपनी लीडरशिप करने के लिए खड़े हो रहे हैं। आपके बेटे के बाद तो सम्मान होना चाहिए। मैं कम से कम सीनियर लीडर से बच्चा करूं, मैं रोज मुझे किसी से सीनियर को टोकना पड़े, ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि सदन में प्रतिपक्ष को पूरी जगह मिलनी चाहिए, उनकी बात को आनी चाहिए। मैं कभी इस पर इस तरह का नहीं किया, पर रोज भी कोई एक प्रश्न का उन्हीं ठेका ले रखा कि राष्ट्रभक्त वही है, बाकी कोई सदस्य नहीं। ये इस तरह सदन नहीं चलेगा। सदन की गंभीरता के लिए माननीय सदस्य को भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा, अपने दल के नेता के प्रति उतना सम्मान रखना पड़ेगा और अध्यक्ष की चेयर के प्रति उतना सम्मान रखना पड़ेगा। मैं तो खड़ा हुआ था, बैठा भी नहीं। ये कोई परंपरा है? मैं अपना रूलिंग दे रहा हूं, मैं बैठा भी नहीं हूं, आप खड़े हो गए, वो सीनियर लीडर है, मैं टॉयलेट नहीं करूंगा। आप अन्यथा लें या कुछ भी लें, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। सदन पहले भी चले और आज भी चलेंगे, लेकिन सदन में जब तक मैं अध्यक्ष हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा परंपराओं का निर्माण हो। और मैं आशा करता हूं मैं इससे गुस्सा होना कटाया जी, इसलिए नहीं हो। देवनाथ जी सीनियर लीडर है, कोई नया सदस्य करता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कभी मदन जी दिलावर सीनियर सदस्य करे, कभी देवनाथ सदस्य करे, और आप बैठे रहे, ये तो नहीं हो सकता।
मैं कभी भी सीनियर लीडर जो हमारे विपक्ष के सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये परंपरा स्टार्ट नहीं करूंगा कि विपक्ष का नेता बैठा रहे और सीनियर लीडर अपोजिशन का खड़ा होकर अध्यक्ष को हेकल करे। मैं ये प्रश्न करता रहता, मैं प्लीज अलाउ नहीं करूंगा। आई से आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट, आई विल से आई विल नॉट अलाउ इट। मैं खड़ा हूं तो भी आप कैसे दे रहे, मैं खड़ा हूं तो भी आप कैसे दे रहे। आप अनुमति तो आप पढ़ रहे पार्लियामेंट में, तीसरी बार एमएलए बने, मंत्री रहे पार्लियामेंट में, क्या सिस्टम है? यू कैस दी आई, यू डोंट नो हाउ टू कैस दी आई। आप खड़ा होकर इंपोर्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष के ऊपर? आई विल नॉट टोल्ड इट। बहुत कम अवसर ऐसे देखे हैं जब जिस तरीके की गंभीर घटना शासन की अवहेलना करते हुए, शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए हुई हो, जिस प्रकार की आज घटना घटी है। अजमेर से आने वाले माननीय देव वासुदेव जी देवनानी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है, अपना विरोध का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होता, और जिस तरीके से जो है हरकत की रही है, मैं प्रस्ताव करता हूँ आपसे कि इनको आज के लिए कम से कम हाउस से निकाला जाए, और निकालने के बाद भी कल इनकी एंट्री माफी मांगने के बाद में ही हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। I will not allow leader. There is no one like deputy leader. I will not allow it. Now onwards, I will not give any space which is beyond my parliament democracy. There is no one like deputy leader. I will only give opportunity to leader of the house. Mani Gata Raji. अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि आसन को इस बात की पीड़ा हुई कि वो खड़े थे और उनको अपनी बात नहीं कहनी थी, वो बैठने के बाद भी अपनी बात को कह सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सोचता हूँ इस घटना के लिए आप उनको दिन भर निकालने का जो प्रस्ताव ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ ऐसा इतना बड़ा एकदम कोई वातावरण नहीं हो गया। अगर आप वातावरण को केवल गर्म ही रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सोचता हूँ इतना बड़ा नहीं है ये। मैं स्वयं ने जब स्वीकार कर लिया कि आप जब तक खड़े थे तब तक उनको ये विषय आसन को दबाव में लेना चाहते हैं आप? अगर आसन इस तरीके से गर्म रखना चाहते हैं, क्या अर्थ क्या है फिर आपका ये कहने का? ये कहने का क्या अर्थ है? ये क्या आसन को दबाव में लेना चाहते हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आप खड़े, ये अच्छी बात है ना, ये नियम की पालना है ना। मैं तो आसन से कह रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप निर्णय लेना चाहते हो तो फिर हम सब लोग बाहर जाएंगे। मैं सोचता हूँ इस वातावरण को इतना अधिक मामला नहीं है कि जिसके कारण से आपने इसको इस रूप में दिया है। मेरे आसन से आग्रह निवेदन है इस प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर के वातावरण को, जो एक अच्छे ढंग से सदन चलने का एक प्रोसेस अब की बार शुरू हुआ है, मैं सोचता हूँ इसको इन छोटी छोटी बातों पर एहसास हो गया। मैंने स्वयं ने मान लिया कि आप खड़े थे तब उन्हें नहीं बोल करके, आपके बैठने के बाद अगर वो अपनी मन की कोई बात कहना चाहते तो कह सकते थे, निश्चित रूप से, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन मैं इसके लिए इतना बड़ा अगर निर्णय आप लेना चाहेंगे हाउस से, आपके पास बहुमत है, ले सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय अगर लेना प्रारंभ हो गया तो फिर मैं सोचता हूँ फिर आप और हम दोनों लड़ते लड़ते पूरा समय करेंगे। पानी कटारे जी, आपने अभी तक खेत प्रकट के संबंध में नहीं बोला है। मैं आपसे अपेक्षा करता आप कम से कम ये तो कहते कि बिहेवियर खेदजनक है, आपने सेंटेंस भी नहीं कहा। आपने ये कहा कि ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, फिर ये मुझे अध्यक्ष पे दबाव है कि यदि मैं इनको निकालूंगा सब निकलेंगे हम, कोई तकलीफ नहीं? यदि आपका आपका प्रतिपक्ष का यही रुख है तो मुझे उसको कहने कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आप सीनियर आदमी है, आपने ये व्यक्त भी नहीं किया है, एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया कि हमने इसमें ये उनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये आपने व्यक्त नहीं किया। आपने ये कहा कि ऐसा करेंगे तो फिर हम भी ऐसा करेंगे और वातावरण को दूषित करेंगे, इसका मतलब जो अध्यक्ष के प्रति आपका जो निर्णय है उस निर्णय में आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप यदि इसको विड्रॉ नहीं किया तो फिर हम ऐसा करेंगे। मैं समझता हूँ आप जैसा जो सीनियर संजीत का प्रतिपक्ष का नेता, उससे मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप कम से कम इस तरह की बात को करेंगे। आपको खड़े होकर ये कहना चाहिए था, जो मैं आपसे आशा कर रहा था कि ये खेतपूर्ण व्यवहार है इनका, तब तो मैं समझ में आता। आप तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह की छोटी छोटी घटना में ये निर्णय लिया तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये 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 संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपन की स्थिति है। मेरे प्रस्ताव पर आपका आदेश की प्रतीक्षा है। मानी कटारे जी, मेरे कहने के बाद खुद अध्यक्ष को भी, माननीय सदस्य को भी ज्ञान होना चाहिए मुझे क्या करना है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सदस्य को भी नहीं बोलना, खेत प्रकट नहीं करना। मैं मेरा सदन से
मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में वो आ गए, पक्ष में वो ना गए, जो पक्ष जो प्रस्ताव के पक्ष में वो आ गए, जो प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास किया जा रहा। श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री नरेंद्र नगर, श्री संजय शर्मा, श्री राजेंद्र राठौर 295, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री प्रताप सिंह, श्री हरेंद्र निमामा, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री जगसी राम, श्री ज्ञानचंद पारक, श्री रामलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का विस्तृत सर्वे कर मुआवजा दिलाने के लिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव अंतर्गत नियम 295 प्रस्तुत करता हूं। माननीय दिनांक 2 से 4 जनवरी 2021 के दौरान ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से तहसील पिपलदा कोटा के ग्राम खेरदा, खेड़ली, बोरदा, पिपलदा कला, करवाड़, पुसोद, सीमोला, लालगंज, जोहली, डूंगरली, बड़ोदिया, रामपुरिया, धाबाई, बागली, घटोट, ठीकरदा, गोठड़ा खोट, उदय भानपुरा, आशीदा, बिशनपुरा, धनवा, बगावदा, देलो आदि 24 गांवों में 33% से 100% तक खराबा हुआ है। इस बाबत उपरोक्त वर्णित गांवों के संबंध सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा पत्र क्रमांक ओलावृष्टि CMO 2020-21 1234-36 दिनांक 28 जनवरी 2021 को 2, 3 एवं 4 जनवरी 2021 को भी ओलावृष्टि से रबी फसल सम्मत 2017 गिरदावरी करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा आदेश कर दिए जाने के बाबत आदेशों के तहत 33% से अधिक फसल खराबे वाले प्रभावित किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार अनुदान दिए है के आदेश जारी किए हैं, किंतु अभी तक भी कृषकों को नष्ट हुई फसल की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने से किसान चिंतित एवं परेशान है। इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाकर जनहित में किसानों को समुचित मुआवजा राशि का वितरण करवाए जाने की व्यवस्था की जाने पर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान प्राप्त हो सकती है। अतः अनुरोध है कि तहसील पिपलदा के आप अभी विधानसभा का लाइव सेशन देख रहे हैं हम लोगों के साथ और देन साइड स्टोरी आपको विधानसभा की लाइव कार्यवाही दिखा रही थी। सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने जब प्रस्ताव रखा उसके विरोध में वासुदेव देवनानी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने उसका विरोध में शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनका प्रस्ताव नहीं लिया गया है, इसलिए बेहद गंभीर प्रस्ताव है उनका कहना था और इस वजह से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और जिस समय खुद जब CP जोशी सदन को संबोधित कर रहे थे उस समय उन्होंने व्यवधान डालने की कोशिश की जिनका समर्थन भाजपा के बाकी के सदस्यों ने भी किया। नतीजन स्थिति ये हुई कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बेहद नाराज हो गए और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो बेहद नाराज होने के बाद उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। इसी दौरान एक चीज देखने को मिली, शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि वासुदेव देवनानी को सदन से निष्कासित किया जाए। इस प्रस्ताव पर जब तक बात होती बात आगे बढ़ती वासुदेव देवनानी को निकालने या ना निकालने की बात की जाती, निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने में से बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह इस कार्रवाई को रोक लिया जाए। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया जो प्रतिपक्ष नेता है उनसे भी बात करने की कोशिश की कि माफी मांग ली जाए अपने इस व्यवहार के लिए। अगर जो माननीय सदस्य है वासुदेव देवनानी भाजपा के विधायक है वो अगर माफी मांग लेते हैं तो उनको सदन से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन न तो वासुदेव देवनानी और ना ही गुलाबचंद कटारिया कोई भी इसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए तैयार हुआ। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष ने बकायदा संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार किया और वासुदेव देवनानी को हम लोगों ने जैसे अभी लाइव देख रहे थे बकायदा सदन से निष्कासित कर दिया गया तब तक के लिए, तब तक वो कल भी आएंगे।
तो माफी मांगनी होगी पहले, उसके बाद सदन की कार्यवाही में वो शामिल हो सकेंगे। स्पष्ट तौर पर ये विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश दिया है, हालांकि कोशिश की गई, उन्होंने फिर भी कोशिश की जो विधानसभा अध्यक्ष है कि एक बार शायद विपक्ष माफी मांग ले तो बात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में आदेश जारी किया बकायदा विधानसभा अध्यक्ष ने निष्कासन का, और बदले में जो जवाब आया वो ये आया कि हम भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने बहिर्गमन की घोषणा की कि हम बायकॉट कर रहे हैं। इस पर भी अध्यक्ष नहीं माने, बोला कि जिसको जो मन में है वो करिए, विधानसभा की जो गरिमा है परिपाटी है उसको वो बना करके रखेंगे। आपने देखा बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य वासुदेव देवनानी को बकायदा निष्कासित किया गया है आज विधानसभा के लिए, और आगे यानी कल की कार्यवाही में वो तभी शामिल हो सकेंगे जब अपने व्यवहार के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। ये पूरा लाइव सेशन हम लोग विधानसभा की कार्यवाही आपको लाइव दिखा रहे हैं, पर अभी क्या चल रहा है एक बार फिर आपको विधानसभा लिए चलते हैं।